गाइस, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस कि आप सब ठीक है। सो आज हम करने वाले हैं अगेन आ रिव्यू। गाइस, ये हमारा जॉय का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और ये न्यू है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। कुछ ऐसा सा है, मैं यहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है न्यू, लिखा विटामिन सी एंड कैरेट सीड है इसमें। ब्राइट रेडियंस ग्लो बूस्टिंग क्रीम है ये, और इन्होंने कहा है कि ब्राइटनेस ओवरऑल कम्प्लेक्शन टू अ हेल्दी रेडियंस ग्लो हमें देंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है? योगर्ट है, कुकुम्बर है, ग्रेप सीड्स है एंड ब्लैकबेरी है। 10 ml की क्वांटिटी हमें इसकी मिलती है यहाँ पे। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर्मूला है इसका एंड 100% वीगन प्रोडक्ट है ये। इस तरफ आते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मल्टीफंक्शन बेनिफिट्स, कॉम्प्लेक्शन, फाइट ब्लेमिशेस, ब्राइटनेस और भी तमाम जितनी स्किन में प्रॉब्लम होती है ना, उन सब को ये जनाब इन्होंने कहा है कि क्लीन कर देंगे, ठीक है। हाउ इट वर्क्स ऑन आर स्किन, हमारे स्पॉट्स है, ब्लेमिशेस हो गई है, डार्क स्पॉट है, तमाम किस्म की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब ये हमारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री और मिनरल ऑयल फ्री, क्वालिटी फ्री, अल्कोहल फ्री। 3 ईयर्स की सेल्फ लाइफ हमें मिलती है। इसका जो प्राइस है ना, 255 rupees है। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, मुझे ये 180 का बहुत आराम से मिल गया था। इन्होंने कहा है कि ये हमारा वाइटामिन सी वाला रेंज है, तो इन्होंने कहा है कि यू नो मोर ग्लो के लिए लग का फेस वॉश की क्रीम और चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। सो वेज दिस इज द क्रीम लुक लाइक। पैकेजिंग इज सो ब्यूटीफुल यू गाइज। सिल्वर कलर का हमारा कैप सा है और बहुत खूबसूरत दिखने में लगता है। अगेन यहाँ पे लिखा है विटामिन सी, कैरेट सीड है, ब्राइटनिंग ग्लो है और क्या करता है वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरफ आते हैं सेल्फ लाइफ का प्राइस, एवरीथिंग मेंशन बताऊंगी कि यू नो कैसा वर्क कर रहा है। सो यहाँ से हमने खोला और यहाँ पे अगेन एक दिखता है हमें, तो ये निकाला। ये मैं आपको अपने हैंड्स पे लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें आप, मैंने इस हैंड पे लगाया है और इस हैंड पे मैंने नहीं लगाया है, ये मेरे दोनों हाथ है। इसने इंस्टेंटली हाथ को हमारे गोरा कर दिया है। सो गाइज, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे इसको अप्लाई करने का, बिकॉज लगाने के ना कुछ सेकंड बाद स्किन पे इतनी ड्राइनेस फील होती है ना, स्किन अजीब सी खिंचाव काइंड ऑफ फील होती है। तो अगर मैं कहूँ कि ब्लेमिशेज और डार्क स्पॉट और ऐसा कुछ भी, तो गाइज मुझे इसके साथ ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है। मैंने लगाया है, यस, लगाने के बाद स्किन गोरी लगती है, स्किन हल्का टिंट महसूस होता है और खुद को ना एक फ्रेशनेस फील होती है। उसके अलावा मुझे इसको लेकर कुछ भी अपनी स्किन पे फील नहीं हुआ है। स्मेल की बात करें ना, स्किन हल्की सुनो, इसकी जो स्मेल है वो हल्की सी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम होती तो इसकी स्मेल से आपको प्रॉब्लम होगी। जब मैंने इसको लगाया ना, मुझे अपनी स्किन इतनी ड्राई फील हुई, इतनी अजीब सी फील हुई है ना, मेरा मन ही नहीं किया दोबारा मैं इसको लगाऊँ। फिर नेक्स्ट डे मैंने वापस स्किन केयर करने का इसको लगाया, तो स्किन अच्छी लग रही थी, यू नो एक गोरा वाले फीलिंग की, हाँ मैं थोड़ी गोरी लग रही, बट स्किन वॉश की देन वैसा का वैसा, तो कुछ ऐसा फर्क मुझे इसमें दिखाई नहीं दिया है। सो गाइस, अगर आप मुझे पूछे क्या मैं अप्लाई करूँ, सो अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप प्लीज ना ट्राई करें, क्योंकि ड्राई स्किन वाले के लिए तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी नहीं है, लाइक स्किन गोरी महसूस होती है। उसके अलावा मुझे इसमें कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ है गाइज। सो या तो गाइज, ये था आज का मेरा बहुत छोटा सा रिव्यू, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा है, और अगर यूजफुल रहा है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव मी अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।